नमस्कार, दैनिक सवेरा देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। 4 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल दौरे पर आ रही हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता और कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि शिमला शहर को 6 सेक्टरों में बांटा जाएगा। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शिमला शहर में हिमाचल पुलिस जो है कड़ा पहरा देगी, पहरा जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शिमला दौरे को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर पूरे शहर को 6 सेक्टरों में बांटा गया है। एएसपी, डीएसपी और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी सेक्टर इंचार्ज होंगे। इस दौरान शहर के चप्पे चप्पे में करीब 1500 पुलिस जवानों की तैनाती रहेगी। 4 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश आ रही है, राजधानी शिमला वह पहुंचेगी। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टिगत जो है कई फैसले लिए गए हैं। शिमला पुलिस जो है वो शहर में कड़ा पहरा देगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शिमला दौरे को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर पूरे शहर को 6 सेक्टर में बांटा गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 से 8 मई तक 5 दिवसीय हिमाचल दौरे पर आ रही हैं। इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति 4 मई को शिमला पहुंचेंगी। इस दौरान जुबड़हट्टी एयरपोर्ट से लेकर छराबड़ा तक पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। राष्ट्रपति के शहर में कार्यक्रम के दौरान करीब 250 जवान यातायात व्यवस्था भी देखें। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके इसके लिए 250 जवान अतिरिक्त तैनात किए गए हैं। वहीं यातायात के कार्यों की पूरी निगरानी रखने के लिए जो है सुरक्षा व्यवस्था को देखा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक संजय गांधी कार्यक्रम के लिए सुरक्षा एवं यातायात के कार्यों की पूरी निगरानी कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने ढली से संजौली होते नवबहार तक सड़क के किनारे अवैध रूप से पार्क गाड़ियों को हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा शोघी से टूटीकंडी राजमार्ग पर तारा देवी से क्रॉसिंग तक और नालागढ़ शिमला मार्ग पर भी कैंची मोड़ से लेकर बालूगंज तक सड़कों के किनारे खड़े होने वाले वाहनों को हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इसके अलावा रिट्रीट, तारा देवी, संकट मोचन मंदिर, माल रोड और राजभवन के आसपास भी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। राष्ट्रपति के दौरे में असामाजिक एवं किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध गतिविधियां ना हो इसके लिए सेना के शूटरों एवं स्पेशल कमांडो की टीम भी पूरी तरह से निगरानी रखेगी। वहीं मौसम को देखते हुए कल्याणी और एनाडेल हेलीपैड को भी रिजर्व रखा गया है। 5 मई को राष्ट्रपति कैचमेंट एरिया का दौरा करेंगी। 6 मई को केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। 7 मई को सुबह संकट मोचन और तारा देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। इसके बाद माल रोड और रिज मैदान में सैर करेंगी। शाम को गेटी थिएटर में सांस्कृतिक संध्या में शामिल होने का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति 8 मई को सुबह शिमला से वापस दिल्ली लौट जाएंगी। इस तरह से 5 दिनों का ये कार्यक्रम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का रहेगा। शिमला शहर को 6 सेक्टरों में बांटा गया है। सुरक्षा के दृष्टिगत ये फैसला लिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी रहेगी। 4 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है हिमाचल दौरे पर आएंगी और 4 से 8 मई तक हिमाचल के दौरे पर रहेंगी।